नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह, झारखंड लोक सेवा आयोग और JSC झारखंड टेट और हाई स्कूल टीचर के लिए एक खास वीडियो है जिसमें हम डिटेल्स में आज बताएंगे झारखंड का भूगोल। झारखंड के भूगोल में झारखंड में किस प्रकार की चट्टाने हैं, झारखंड की विस्तार ज्योग्राफिकल क्या है, क्या अक्षांश और देशांतर है, क्या क्षेत्रफल है, कौन सी चट्टाने कब बनी, कौन कौन सी चोटियां हैं, कौन कौन से रॉक पाए जाते हैं, सारी चीजों पर विस्तार पूर्वक आपसे बात करेंगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है और पूर्व में जो क्वेश्चन आया हुआ है वह भी आपको हम बताएंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि झारखंड जो है ये भारत का 28वां राज्य बना है, 28 स्टेट बना है, कुल जो 29 राज्य भारत में इसमें 28वें नंबर पर झारखंड का नंबर आता है। झारखंड राज्य की अगर अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, अक्षांश का मतलब होता है लैटिट्यूड, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट अगर देखेंगे तो झारखंड बहुत ज्यादा नॉर्थ साउथ में नहीं है, क्योंकि पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में है इसलिए ऑटोमेटिकली झारखंड उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। अब इसमें आप लिखिए कि 21 डिग्री 21 डिग्री 58 मिनट नॉर्थ, 21 डिग्री मतलब हुआ कि 21 डिग्री की जो लैटिट्यूड होगी तो 21 डिग्री और 22 डिग्री के बराबर, मतलब आप समझ लें कि लगभग 22 डिग्री नॉर्थ पर झारखंड है और वहां से लेकर 21 डिग्री 58 मिनट नॉर्थ से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट नॉर्थ तक, तो सिर्फ जो झारखंड है वो आप देखेंगे तो 3 से 3.5 डिग्री ही वह लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में है, बहुत ज्यादा लैटिट्यूडनल नहीं है। नॉर्थ में जो हम लोग हैं 3 से 4 डिग्री के बीच में झारखंड फैला हुआ है, उत्तर वाला जो क्षेत्र है वो लैटिट्यूड। इसके बाद लिखिए झारखंड का देशांतरीय विस्तार, इंग्लिश में इसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट लिखेंगे। झारखंड का जो देशांतरीय विस्तार है वह 83 डिग्री 19 मिनट ईस्ट लिखिए, 83 डिग्री 19 मिनट ईस्ट से लेकर के 83 डिग्री मतलब इंडिया तो शुरू होता है 68 डिग्री से, लेकिन झारखंड देखिए 83 डिग्री ईस्ट से शुरू हो रहा है और 87 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब भारत का अगर आप एक्सटेंशन देख ले तो इंडिया का जो लैटिट्यूड है वह 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है और इंडिया का लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, लेकिन झारखंड का अगर लॉन्गिट्यूड देखेंगे तो 83 डिग्री 19 मिनट पूरब से लेकर के 87 डिग्री 25 मिनट पूरब तक है, मतलब ग्लोब में जब आप देखेंगे तो जो 0 डिग्री की मेरिडियन है वहां से दाहिनी हाथ की साइड में आपके जो राइट हैंड होगा उधर इंडिया जो है ईस्टर्न साइड में। झारखंड का कुल क्षेत्रफल अगर देखते हैं तो 79714 स्क्वायर किलोमीटर। 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड बना था उस समय झारखंड का ये कुल एरिया था, एक बार फिर से लिख ले 79714 स्क्वायर किलोमीटर। और 2011 में झारखंड की कुल जनसंख्या जो थी ये लिख लीजिए 32988134। इतने लोग मतलब झारखंड में उस समय 2011 ईस्वी में जनगणना के मुताबिक थे। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 414 प्रति स्क्वायर किलोमीटर है, 414 पर स्क्वायर किलोमीटर है वो यहाँ का जनसंख्या का घनत्व है, जनसंख्या का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वह है। अगर झारखंड को देखा जाए तो ये किस किस राज्य से उसके बॉर्डर पे कौन कौन से राज्य हैं, तो लिखिए वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है, बिहार है और उड़ीसा है, तो ये सारे राज्य हैं, सब मिलाकर के 5 राज्य ऐसे हैं जो झारखंड को बॉर्डर कर रहे हैं। झारखंड में 1 अप्रैल 1912 को बिहार जब बना था उस समय तो झारखंड बिहार का भाग था, फिर 1936 में उड़ीसा इससे अलग हो गया और 1948 ईस्वी में झारखंड में सरेकेला खरसवां डिस्ट्रिक्ट को इसमें शामिल किया गया, सरेकेला एवं खरसवां जिला को।
झारखंड का जो वर्तमान स्वरूप 2000 के बाद आप देखने को देख रहे हैं। झारखंड में पठार काफी है और इसमें एवरेज हाइट सभी पठार का अगर देखेंगे तो 760 मीटर होगा, 760 मीटर ही है सभी पठार का जो एवरेज हाइट है। झारखंड में अगर आप देखें तो अलग अलग पठार में महत्वपूर्ण है रांची का पठार, रांची प्लेटो जिसको बोलते हैं, हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार, बोनई पठार एक है, बोनई प्लेटो है, और क्योंझर प्लेटो है जिसका कुछ भाग झारखंड में है और कुछ उड़ीसा में चला जाता है। तो हम सारी चीजों पर आज विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे झारखंड की ज्योग्राफी में कि कौन कौन से चट्टान यहाँ पर है। इसके पहले आपको बता दें कि झारखंड में जो एरिया के मामले में अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत में झारखंड का स्थान 15वें नंबर पर है, घटते हुए क्रम में एरिया वाइज में झारखंड 15 नंबर पर है। मतलब झारखंड से कम क्षेत्रफल वाले कुल और 13-14 राज्य और 15 नंबर पर ही है। और अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो झारखंड का 13वां नंबर 13th पोजीशन पर झारखंड है। झारखंड का एजुकेशन के मामले में अगर देखा जाए शिक्षा में तो 25वां पोजीशन है, 25th पोजीशन पर झारखंड है, 25वां पोजीशन है सिर्फ। झारखंड में 67.6% ही लिटरेसी है, 25वां रैंक है झारखंड का। झारखंड में 5 प्रमंडल है, 24 जिला है आपको पता है, सब मिलाकर के 38 अनुमंडल है, सब डिवीजन जिसको बोलते हैं, तो 38 सब डिवीजन है, सब डिवीजन जहाँ SDO रहते हैं। 260 ब्लॉक है, प्रखंड जिसको बोलते हैं, 260 ब्लॉक है झारखंड में सब मिलाकर के, 260 ब्लॉक है जहाँ पर BDO CO रहते हैं। तो ये 326 थाना है झारखंड में, जो मुख्य थाना है वह 326 थाना है, और 3744 3744 झारखंड में पंचायत है, पंचायत की कुल संख्या है 3744 और 32615 गांव है झारखंड में, 32615 गांव है, इतना विलेज है। और इस विलेज एरिया में काम हो रहा है, झारखंड सरकार की कई योजनाएं चल रही जो हम आपको समय समय पर बताते हैं। तो चलिए अब झारखंड के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर पर हम लोग बात करते हैं। झारखंड का जो भूगोल है इसमें रांची का जो पठार है इसको ज्योग्राफर के दृष्टिकोण से यह एक पेनी प्लेन है। पेनी प्लेन का मतलब होता है ऑलमोस्ट प्लेन है तो पठार, लेकिन WM डेविस ने अपने सिद्धांत में कहा था कि कोई पठार जब बन जाता है तो नदी और दूसरे जो फिजिकल एजेंट होते हैं वह उसे धीरे धीरे तोड़ते हैं, जैसे इरोजन और वेदरिंग होता है तो चट्टाने ऊपर से टूटती रहती है, और जो चट्टाने टूटती हैं टूटने के बाद वो बह जाती हैं, तो चट्टान का ऊपरी सीमा टूट टूट करके कम होते रहता है, तो एक समय के बाद वह पठार मैदान जैसा हो जाता है जिसको WM डेविस ने पेनी प्लेन कहा है। तो ये झारखंड में रांची का जो पठार है इसमें खास तौर पर रांची के पठार में लोहरदगा और गुमला डिस्ट्रिक्ट आता है। लोहरदगा इलाके में बॉक्साइट बहुत है, तो ये इलाका जो है इसको पाट का रीजन भी कहते हैं, पाट पठार भी कहते हैं, जो हम आगे भी आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। और इसके जो ऊपरी जो भाग है जहाँ पर हाइट है जमीन की उसको टांड बोला जाता है, झारखंड में टांड का एरिया बोलते हैं, और जो नीचे वाला एरिया होता है उसको बोलते हैं डोन, जो डोन का क्षेत्र होता है वो नीचे वाली जमीन होती है और ऊपर वाला टांड का क्षेत्र कहा जाता है। तो ये रांची का पठार। इसके बाद आपको बता दें कि झारखंड की अगर हम लोग जियोलॉजी देखेंगे तो यहाँ की जियोलॉजी में सबसे ज्यादा आर्कियन चट्टान है। आर्कियन सबसे पुराना चट्टान का नाम है, और आर्कियन को भी दो भाग में आप बांट सकते हैं, एक तो खुद का आर्कियन जो रॉक है वो, और दूसरा इसी का धारवाड़ ग्रुप, दक्षिण भारत में जिसको धारवाड़ कहते हैं जो सबसे पुरानी चट्टाने हैं, वहीं झारखंड में इसको आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक कहा जाता है। और इसमें तीन ही चट्टान है आर्कियन में, झारखंड में तीन चट्टान है, पहला है ग्रेनाइट चट्टान, दूसरा सिस्ट चट्टान होता है, और तीसरा निस चट्टान होता है। मतलब झारखंड के कुल आर्कियन चट्टानों में 90% चट्टान अगर देखिएगा 90 से 95% चट्टान तो वो तीन ही चट्टान है, पहला ग्रेनाइट, दूसरा निस और तीसरा सिस्ट,
जो उन्होंने दो बार वाला बताया वो कायंत्रिक चट्टान है, मेटामॉर्फिक रॉक है, और ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान है, वह इग्नियस रॉक की श्रेणी में आता है। तो इससे पता चलता है कि आर्कियन काल के चट्टानों में सबसे ज्यादा कायंत्रिक चट्टान है, क्योंकि वो प्रेशर से बना है, चेंज होने से बना है, इसलिए सबसे ज्यादा इसकी मात्रा है यहाँ। और मेटामॉर्फिक रॉक मतलब कायंत्रित हो गया। दूसरा जो है झारखंड में, वह है न्यू इग्नियस चट्टान, जो आग्नेय चट्टानों में नया बना है, जिसमें चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम का, पूर्वी सिंहभूम का, क्रोमाइट जो है वो, और क्रोमाइट के साथ साथ में एस्बेस्टस जो होता है ना, जिसको रेजिस्टिविटी में यूज किया जाता है, परमाणु में भी काम आता है एस्बेस्टस, तो उसका इसको इसकी जमाव हुई थी इसी काल में न्यू इग्नियस रॉक के रूप में। और इसी समय में डलमा, और डलमा ढोकरी जिसको बोलते हैं, धेंजोरी भी बोलते हैं, तो डलमा लावा आया था, तो ये भी डलमा जो जमशेदपुर का पहाड़ है, ये भी न्यू इग्नियस रॉक के रूप में जाना जाता है, हालांकि काफी पुराना है, मतलब आर्कियन काल से जस्ट बाद में बना है, तो अभी भी इसकी अगर उम्र सोचेंगे तो नियर अबाउट 570 मिलियन ईयर पहले की बात है, 570 मिलियन ईयर पहले ये सारी चीजें बनी थी। तो नेक्स्ट है इसमें जो झारखंड के चट्टान है, इसमें विंध्यन और गोंडवाना, गोंडवाना में खास करके यहाँ पर कोयला, जो कोयले का जमाव हुआ है, जिसमें दामोदर नदी के किनारे किनारे जो कोयला मिलता है, ये गोंडवाना काल का है, इसको कार्बोनीफेरस पीरियड में बोलते हैं, जियोलॉजिकल एज में ये कार्बोनीफेरस काल का कोयला है, जो कोयला में बाइटुमिनस वेराइटी सबसे ज्यादा है, करहर बारी, गिरिडीह का कोयला, रामगढ़ का कोयला और झरिया का कोयला, ये सारे जो कोयला है ये गोंडवाना काल का कार्बोनिफेरस काल में बना है। इसके अलावा राजमहल काल में, जो राजमहल का ट्रैप जिसको बोलते हैं, तो राजमहल जहां पर पारसनाथ है, 1365 मीटर ऊंचा है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, तो ये पारसनाथ की पहाड़ियां जो है ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी में आती है, 1365 मीटर ये राजमहल पर है। अगर आप राजमहल के एरिया में जाएंगे तो वहां पर अभी भी जैन धर्म के मंदिर नजर आएंगे, और जैन धर्म का जो दिगंबर जैन होते हैं वो उन्हीं पर्वतों पर साधु संत नजर आ जाएंगे आपको, दिगंबर जैन वाले जो राजमहल की पहाड़ियों पर है। और जब आप जैन धर्म के इतिहास को पढ़ेंगे तो झारखंड के साथ उनका काफी गहरा नाता रहा है। इसके बाद राजमहल में जो है लावा का फॉर्मेशन हुआ था, राजमहल ट्रैप के नाम से जाना जाता है, जहां पर शंकुनुमा नहीं मिलता है लावा, बल्कि वह ऊपर का जो पोर्शन है वो कट करके है, और एक चपटा नुमा वो लावा की प्राप्ति होती है। इसके बाद टर्सरी काल की बात करेंगे, टर्सरी काल का भी यहाँ पर जवाब हुआ है, जब हिमालय की फॉर्मेशन हो रही थी उत्तर भारत में, उस समय टर्सरी काल में यहाँ भी नदियों नदी घाटी में जमाव हो रहा था, और इसमें सेडिमेंटी रॉक चट्टाने बनी है, जो सेडिमेंटी रॉक अवसादी चट्टान बना, अवसादी चट्टानों में सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, ये सारा चीज बना। इसके बाद लेटेराइट निक्षेपण हुआ है, जो जहां जहां पर पर्वत है और पर्वत के पास जहां पर जाड़ा गर्मी और बरसात का मौसम आता है, अल्टरनेटिव क्लाइमेट होता है, उस इलाके में लेटेराइट फॉर्मेशन हुआ है, और एक न्यू एलुवियम हुआ है जो अभी भी नदी घाटी में जमाव हो रहा है, तालाब में हो रहा है, वो नया एलुवियम के रूप में है। तो अब आपको बता दें कि झारखंड में प्रीकैम्ब्रियन काल के भी चट्टान है। प्रीकैम्ब्रियन मतलब आर्कियन के ठीक बाद, 570 मिलियन ईयर पहले, प्रीकैम्ब्रियन में भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली बना है राजस्थान में, और उसी समय में झारखंड में डलमा बना, और उसके बाद राजमहल बना है, तो एक ही काल में समतुल्य चट्टाने का निर्माण हुआ है। अब आप देखें तो प्रीकैम्ब्रियन काल में निश चट्टान भी बना, प्लेट टेक्टोनिक से बना होगा, ये प्लेट जो भूवृतनकी है उससे बना है, बेसाल्ट चट्टान आया, ग्रेनाइट चट्टान आया, और इसके साथ में आया डोलेराइट चट्टान। जब आप झारखंड में अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे तो आपको 1000 मीटर मोटी मोटी बड़ी सी लंबी चट्टाने नजर आ जाएगी, जो बड़ी बड़ी चट्टाने हैं वो लंबी चट्टाने खड़ी रहती हैं,
और ये डोलेराइट चट्टान है। तो डोलेराइट चट्टान जो होंगे ये भी बहुत बड़ी संख्या में झारखंड में मौजूद है। इन्हीं चट्टानों से अभी घर बनाने के लिए गिट्टी का प्रयोग होता है। ये आग्नेय चट्टान है, ये एक प्रकार का इग्नियस रॉक होता है जिसको हिपा बिसल रॉक कहते हैं। मतलब जब आग्नेय चट्टान लावा से बनता है तो सबसे ऊपर जो चट्टान बन रहा है वोल्केनो फटने के बाद में वह बेसाल्ट चट्टान होता है, और जो चट्टान बीच में मिट्टी के बीच फंस करके बन रहा है उसको बोलते हैं हिपा बिसल, वह डोलेराइट होता है। और जो पृथ्वी के एकदम नीचे है वह ग्रेनाइट है। आजकल ग्रेनाइट मार्बल आप बहुत देखते होंगे, तो ग्रेनाइट चट्टान उस कंडीशन में बनता है। हमको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, झारखंड में सबसे ऊंचा स्थान अगर देखेंगे तो वो है नेतरहाट, पीक में आरसघाट स्थान में नेतरहाट। नेतरहाट 1071 मीटर ऊंचा है। नेतरहाट रांची के पास है, और ये रांची के पास होने के चलते ये बहुत ठंडा भी है नेतरहाट, और नेतरहाट का स्कूल काफी फेमस है, टूरिस्ट प्लेस भी बनाया गया है नेतरहाट को। ये झारखंड का पार्ट रीजन जिसको हम बार बार बोल रहे हैं, जहाँ पर पलामू है, गढ़वा है, लोहरदगा है और गुमला है, इसी एरिया में पाट जवाब जो पाट ऊंचा इलाका है यहीं पर बॉक्साइट और एल्युमिनियम मिलता है झारखंड का सबसे ज्यादा। तो यहीं पर नेतरहाट है 1071 मीटर का, ये सबसे ऊंचा स्थान है याद कीजिएगा। लेकिन झारखंड की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाएगा, हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड, तो पारसनाथ है, 1365 मीटर होगा, 1365 मीटर होगा। अब आ जाते हैं छोटा नागपुर के पठार। छोटा नागपुर का पठार धारवाड़ का ही एक्सटेंशन है, जो दक्षिण भारत में महाराष्ट्र कर्नाटक क्षेत्र में धारवाड़ के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में अमरकंटक का पठार के रूप में जाना जाता है। यही चट्टान जब झारखंड में आता है इसे छोटा नागपुर कहते हैं। छोटा नागपुर की औसत ऊंचाई 1000 फीट है, क्योंकि इसमें भी अपरदन और अपक्षयन बहुत बड़ी संख्या में हुआ है। और अपरदन अपक्षयन होने से जो ऊपर का ढाल है, इसके ढाल चारों ओर है, गुंबद रूपी आकृति हो जाती है, और इतना अधिक अपरदन हुआ है कि नीचे के ग्रेनाइट चट्टान ऊपरी धरातल पर नजर आते हैं। और चाईबासा का जो क्षेत्र है उसको प्लेन एरिया बोलते हैं, क्योंकि चाईबासा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा अपरदन होने के चलते और नदी की संख्या अधिक होने के चलते जो कोल्हान प्रमंडल है, तो ये इसकी कटाव ज्यादा हो गई, निक्षेपित हुआ है। यही कारण है कि इस एरिया में सेडिमेंटी चट्टानों में ही हिमाटाइट मिल रहा है, मैग्नेटाइट मिल रहा है। आप जब झारखंड की कोल्हान क्षेत्र में आएंगे तो जहां पर नोवामुंडी है, गुवा है, किरीबुरु है, बरबीन है, जगन्नाथपुर है, तो इन सारे प्रदेशों में आपको लौह की मात्रा नजर आएगी, आयरन की मात्रा नजर आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ने जो ज्योग्राफी बताया है आपको निश्चित रूप से इससे लाभ हुआ होगा। और एक बार फिर से हम थोड़ा सा आपको आउटलाइन दे दें कि झारखंड की जो लैटिट्यूड है अक्षांश, ये अक्षांश जो है वो बहुत ज्यादा नहीं, 3 से 4 डिग्री की है, 21 डिग्री 58 मिनट नॉर्थ से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट नॉर्थ में है। इंडिया तो 8 डिग्री से 37 डिग्री के बीच है, और इसके बीचों बीच झारखंड है। इसी प्रकार से हमारा देशांतरीय विस्तार अगर देखेंगे तो 83 डिग्री से शुरू हो जाता है झारखंड, 83 डिग्री 19 मिनट ईस्ट से लेकर के 87 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। तो सिर्फ वो 4 डिग्री का ही देखिए एक्सटेंशन है। नॉर्थ में हम लोग 3 डिग्री है और ईस्ट में 4 डिग्री है। तो ये झारखंड की जो एग्जैक्ट लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। झारखंड पर इसी प्रकार का हम सटीक वीडियो भेजेंगे और विश्लेषण करेंगे। झारखंड की जलवायु, झारखंड का इतिहास, यहाँ की संस्कृति पर आप इसी प्रकार की वीडियो आप लगातार देखते रहेंगे। और हमारे प्लेलिस्ट को खोलिएगा तो झारखंड से संबंधित कई वीडियो है। कई व्यूअर ने कहा था कि मैपिंग से बताइए, तो हमने सारी चीजों का आपको मैपिंग से आज बताया है, और उम्मीद है कि आपको सारा कुछ बहुत ही पसंद आएगा। हमसे ऐसे ही जुड़े रहिएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखने के लिए धन्यवाद।